देखिए तो दोस्तों, रोहित यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके पास कुछ पैसे भी हैं, तो चलिए देखते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह पैसे गिन रहा है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेरे पास 10 का एक नोट है, मतलब एक तहाई, और मेरे पास है 1 का एक सिक्का, मतलब एक इकाई। यह कुल मिलाकर हुए 11 रुपए, यानी कि 11 रुपीस। तो मेरे पास है 11 रुपीस जो मुझे मेरी नानी ने दिए हैं। अब मैं इससे सामान खरीदने जाऊंगा। सोच रहा हूँ कि 11 रुपए में मैं क्या खरीद सकता हूँ। क्या आप जानते हैं 11 रुपए में मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ? क्या आप इन सिक्कों और नोटों को गिनकर बता सकते हैं कि यह कितने रुपए हुए? तो चलिए दोस्तों, हम रोहित को गिनकर बताते हैं कि यहाँ पर कितने रुपए हैं अलग अलग बादल में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ इस बादल में कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 10 रुपए के नोट हैं और 1-1 रुपए का सिक्का है। तो सबसे पहले 1 और 2, दो नोट जो हैं वो 10 रुपए के हैं, यानी कि 2 दहाई। और 1, 2, 3, 4 और 5 सिक्के जो हैं 1-1 रुपए के हैं, यानी कि 5 इकाई। तो यह हुए कुल मिला के कितने रुपए? यह हुए 25 रुपए, यानी 25 रुपीज। तो इस बादल में तो है 25 रुपीज। अब इस बादल में गिनते हैं कि कितने पैसे हैं। यहाँ पर 10-10 के 1 और 2, यानी कि 2 नोट है जो हुई 2 दहाई। और यहाँ पर 3 सिक्के हैं 1-1 के, तो यह हुई 3 इकाई। तो कुल मिला के हुए 23 रुपए, यानी कि 23 रुपीज। अब इस वाले बादल में सिक्के तो हैं ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नोट है। चलिए इन्हें गिनते हैं। यहाँ पर कितने नोट हैं 10-10 रुपए के? 1, 2 और 3, यानी 3 टेंस है यहाँ पर। और इकाई कितनी है? 1s तो एक भी नहीं है, यानी 1 रुपए का 1 भी सिक्का नहीं है, यानी कि 0 सिक्के हैं। तो यह कुल मिलाकर हुए 30 रुपए, यानी कि 30 रुपीज। अब इस बादल में देखते हैं कितने पैसे हैं। यहाँ पर 1, 2 और 3 3 टेंस है, यानी 3 10 रुपी के नोट हैं। और 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 1s है, यानी 5 1 रुपी के कॉइन हैं। तो यह हुए 35 रुपए, यानी कि 35 रुपीज। अब इस बादल में कितने रुपए हैं? यहाँ तो एक भी नोट नहीं है। तो देखते हैं यहाँ कितने सिक्के हैं, कुल मिला के कितने रुपए होंगे। तो सबसे पहले हम इनको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हैं कुल मिला के 10 सिक्के 1-1 रुपए के, यानी कि 10 इकाई। लेकिन 10 इकाई जो होती है वो मिलकर कितने दहाई बनाती है? 10 इकाई का मतलब तो 1 दहाई होता है। तो यह हुए 10 रुपए, यानी कि 10 रुपीज। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10 इकाई है, 10 1-1 के कॉइन हैं, 10 इकाई मिलकर बनाती है 1 दहाई, यानी 1 टेंस। तो यह बराबर है किसके? यह बराबर है 10 रुपए जो हैं यहाँ पर, यह 10 सिक्के 1-1 रुपए के जो हैं वो बराबर हैं 10 रुपए के इस नोट के। तो दोस्तों, हमने यहाँ मौजूद बादलों में गिने कि कितने रुपए कुल मिला के मौजूद है। हमारे पास थे 10 रुपए के नोट और 1-1 रुपए के सिक्के, और हमने उन सब को गिना कि कुल मिला के कितने रुपए हमारे पास मौजूद हैं। तो क्या आप भी गिन सकते हैं अपने आसपास मौजूद पैसों को? क्या और भी इन दो चीजों के अलावा पैसे होते हैं, यानी कि 10 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के के अलावा भी आपने कोई पैसा देखा है? और क्या आप उनको गिनना जानते हैं?